हमारे साथ है आशुतोष द्विवेदी जी, है ना। ही गॉट रैंक आई थिंक टू, कितने रैंक आई आपके आईआईटी जेम में? सर 311। ओके 311, एंड ही बिलोंग फ्रॉम एमपी मध्य प्रदेश, और अभी वो हमारे कर रहे हैं फिजिक्स ऑनर से अपनी ग्रेजुएशन। ओके सो चलिए कुछ सवाल पूछते हैं तुमसे और जानते हैं कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की ड्यूरिंग, क्योंकि अभी तो आप पढ़ ही रहे हो, तो उस पढ़ने के ड्यूरेशन में किस तरीके से तुमने प्रिपरेशन की कि आप इस रैंक तक पहुंच पाए, और डेफिनेटली आपको एक अच्छी आईआईटी जो है यहाँ पे मिल जाने वाली, क्योंकि आईआईटी जेम का ट्रेंड रहा है कि लगभग 600 तक आपको आईआईटीज मिलती है, और भविष्य में जब आप अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे ना नेक्स्ट ईयर की, या क्योंकि बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जिन्होंने अगले साल बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं, और बहुत सारा ऐसा भी है कि आप एडजस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्यूचर में। आप आईआईटी पहुंच गए तो फ्यूचर में एक्सपोजर जो है आपको बहुत अच्छा वहां पे मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए बात तो होगी कि आपने फिजिक्स ऑनर कर रहे हैं एमपी से, ये बताइए आप कहाँ पे रहते हैं, मतलब बेसिकली कॉलेज के अंदर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या घर से ही अप डाउन करते हैं? नो सर, एक्चुअली भोपाल इज 400 किलोमीटर फ्रॉम हियर माय होम टाउन, सो आई टुक एन पीजी फ्रॉम इन भोपाल, मैं वहां पीजी पे ही रहता हूं, हॉस्टल में नहीं रहता हूं। ओके ओके, यू आर लिविंग, मैं रेगुलर। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एंड द सेकंड थिंग, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर आईआईटी जेएम? सर वैसे तो डेडिकेटेडली जो प्रिपरेशन मैंने चालू की थी वो फेब 2020 में की थी। ओके और फेब 2021 में की थी, तो मतलब कि एक साल की वो पूरी प्रिपरेशन थी। लेकिन उससे पहले मतलब जो मैंने एन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लिया था वो मैंने अगस्त में ही ले लिया, जो कि 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन था, तो पहले 6 महीना तो उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी, तो फिर उसके बाद से फेब से मैंने डेडिकेटेडली प्रिपरेशन चालू की थी। उसमें कई बार गैप्स आए थे अप्रैल और But of in offline there is a high fee, so how much difference between these two, offline and online? सर ऑफलाइन में मेरे हिसाब से तो जब हम पहली बात तो जब हम खुद कॉलेजेस में हैं तो हम अलग अलग सिटीज में, और इतना जैम में इतना ज्यादा है नहीं कि जैसे जेई में हर जगह पर अच्छी अच्छी कोचिंग रहती है, लेकिन जैम में हर जगह तो क्वालिटी ऑफलाइन वाले नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पहली चीज तो, और अनअकैडमी की जो क्वालिटी वो यूनिफॉर्म है क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, वो ऑनलाइन है तो सबको, और मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, और सबसे बड़ी बात जो है फीस का ऑप्शन रहता है और जो रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं, उसके कारण हम लोग मतलब अगर हमारी क्लासेस छूट भी जाए, कोर्स आगे पीछे चल रहा, तो हम अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं हमारे प्रिपरेशन को, और लाइव का भी ऑप्शन है तो बहुत हेल्पिंग है, मतलब ऑफलाइन से मुझे बेटर लगा। सबसे अच्छा तो यही है कि अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो उसको ये नहीं है कि वो बीएससी में है तो उसको कहीं जाने की जरूरत है, अपना घर ही से जब भी टाइम मिले कोर्सेज देखिए, उसी के साथ साथ प्रिपेयर कर, मतलब गैप लेने की जरूरत नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गैप लेने की जरूरत नहीं है, है ना। और डेफिनेटली आपको सारी चीजें मिल जाती है, मल्टीपल एजुकेटर है तो आपको एक किताब एक से पढ़ो, दूसरी किताब दूसरे, वो जो जहाँ पे आपको सुटेबल लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे पढ़ सकते हैं आप, ये आपके पास एंड। So, अगला मतलब क्या स्टेप है तुम्हारा, क्या करना चाह रहे हो? अभी तुम फाइनल में हो ग्रेजुएशन के अपने, तो अब आप सो नाउ यू अपीयर इन द काउंसलिंग। सोचा नहीं है, एमएससी फिजिक्स का ही सोचा था और जेस्ट भी दिया था, तो जेस्ट का वेटिंग रिजल्ट का वेटिंग है, और टीआईएफआर का भी दिया था, तो दो इंस्टीट्यूट का तो अभी आना बाकी है, लेकिन जेस्ट में सोच रहा हूँ कि मतलब अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, पीएचडी के लिए भी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, तो अभी तो प्राइम गोल ऐसे ही है कि एमएससी करूंगा, अगर इफ यू गॉट द इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफर तो वहां भी जा सकते हो ना, अच्छी अच्छा ही है वो, अगर मिले तो तुम्हें कहीं से जैसे आइजर नाइजर में मिल जाए तो यू कैन गो फॉर दिस, है ना। तो मतलब जो 23 के बच्चे स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन, मतलब आप उनको क्या कहना चाहोगे कि अर्ली प्रिपरेशन अभी से करने लगे या बाद में जाके, कि भाई हमारा पेपर फेब में होता है तो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करें, तो मतलब हाउ यू व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम?
क्या कहना चाहोगे उनको? सर आई विल सजेस्ट कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप स्टार्ट कर सकते हैं. अगर अगर मतलब अभी इतना जल्दी आपको बहुत ज्यादा आवाज प्रोटीन नहीं करने अगर आप नहीं निकाल पा रहे समय, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि क्या रहता है कि जितना बार मल्टीपल टाइम्स आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो उतना बेटर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला पाएंगे अपने अंदर. तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं जैसे कि सब्सक्रिप्शन ही मिलता है अकेडमी का, एक साल का भी है, तो कर सकते हैं आप चालू. हाँ मतलब अर्ली प्रिपरेशन ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि बहुत बच्चे लास्ट में 2-3 महीने में लेते हैं तो उनको रैंक लाने में फिर लास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि फिर हाँ ज्यादा अच्छी रैंक नहीं आएगी, हेक्टिक भी होगी फिर लास्ट में, इसलिए ज्यादा बेटर है कि अभी से. बिल्कुल. कितने घंटे आप पढ़ते थे डेली जैम के लिए, फॉर स्पेशली फॉर जैम नॉट फॉर योर एग्जाम? यस सर, तो जैम के लिए तो सर थ्रू आउट द ईयर सर 3-4 आवर्स तो होता ही था, मतलब रेगुलरली हमने दिया था 3-4 आवर्स हम लोग देते थे. और जब मतलब एग्जाम करीब आने लगे लास्ट के मंथ में तो फिर और ज्यादा थोड़ा सा मेहनत लगी थी, फिर मतलब 5-6 घंटे भी हो जाते थे कई बार. लेकिन ऐसा था कि इफेक्टिव आवर्स जो स्टडी के होते थे जिसमें हम पढ़ ही रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे लास्ट समय में भी 5-6 घंटे होते थे, तो मतलब उतने में ठीक ही आ जाता था, हो जाता था उतना मिनिमम, वरना तो पूरे दिन बैठे. मिनिमम 3 आवर्स यू सजेस्ट कि 3 घंटा अगर कोई बच्चा पढ़े तो मुझे लगता है कि ही और सी कैन डू डेली 3 घंटा. सर ये हाँ वही मतलब कि ऐसे तो मेरा कुछ जनरलाइजेशन नहीं लगता मुझे, लेकिन मेरे लिए हाँ इतना 3-4 आवर्स या फिर 5 आवर्स भी बहुत इनफ है, मतलब बहुत ज्यादा इनफ है कि आप रैंक भी ला सकते हैं. जो भी यहाँ पे एजुकेटर पढ़ाते हैं उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो या कुछ अपने भी स्टेप्स ले सकते हैं, मतलब एजुकेटर को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है? अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो मतलब क्या रहता है कि सारे एजुकेटर्स अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, तो एक ही प्रकार के कोर्सेज, क्योंकि सिलेबस इंटरलिंक्ड है तो बहुत सारी चीजों में फायदा होता है उसके कारण. लेकिन सर पर्सनली मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरा ऐसा मानना था कि जो ऐसे कई एजुकेटर्स का मेरे को बहुत ही अच्छे लगते थे, कुछ जैसे कुछ पार्ट हर एक एजुकेटर का बहुत अच्छा था, जैसे कि मैंने कई कई प्रिपरेशन मैंने बाहर से भी किए हैं, जैसे अलग पांडे सर एक फिजिक्स वाला के हैं, उनसे मैंने मैकेनिक्स पढ़ी है, एस सी वर्मा सर का मैंने मॉडर्न का कोर्स देखा था, तो मैंने कई कोर्सेज जो बाहर के भी थे यूट्यूब में वो भी मैंने अपने प्रिपरेशन में लाए थे, और एजुकेटर्स मैंने अलग अलग एजुकेटर से ज्यादा प्रिपेयर किया था कि अलग अलग एजुकेटर से जो उनका बेस्ट पार्ट है वो मैं निकाल सकूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एजुकेटर से पूरा नहीं करें, क्योंकि पूरे में कमांड होना इट्स वेरी टफ टास्क. अब पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट एक से पढ़िए, है ना, अगर आपके पास 6-7 एजुकेटर है तो आपको डेफिनेटली एक में तो वो अच्छे होते ही है, तो एक वो पार्ट पढ़िए उनसे, और मतलब जितने मल्टीपल ऑप्शन है यूज देन, ऐसा नहीं कि एक ही से पूरे के साथ यूनिट पढ़ लें, तो उससे ऐसा होता है कि मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपका वीक रह जाएगा. ओके हाँ सर, मतलब हाँ कुछ चीजें ऐसा है. ठीक है, वेरी गुड. सो ये तो प्रिपरेशन की ड्यूरेशन हुई, मतलब आपने स्टडी मटेरियल, विच स्टडी मटेरियल फॉलो और बुक्स आपने फॉलो की या नोट्स से ही काम चल गया? सर मुझे तो लगता है ऐसे कि अनअकैडमी में जो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं उनके क्लास नोट्स आर मोर देन इनफ, और अगर मतलब और जो वो फिर वर्कशीट जो देते हैं सॉल्व करने के लिए, जैसे हमारे मतलब जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें वर्कशीट जो डाली जाती है एजुकेटर्स के द्वारा, और तो उसमें जो स्टडी मटेरियल वगैरह रहता है वो मोर देन इनफ है, उसमें बहुत आसानी से हो जाएगा. लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा रैंक अच्छी लाना चाहते हैं अंडर 20 अंडर 30 ऐसे, तो उसके लिए आप बुक्स ही प्रेफर कर सकते हैं. लेकिन मैंने कुछ बुक्स प्रेफर नहीं की थी, मैंने बस एस सी वर्मा कुछ जो 12th क्लास की थी वो थोड़ी बहुत सॉल्व की थी, और बाकी तो किसी बुक के लिए नहीं देखा था, बस जो स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स थे वही मैंने प्रेफर किया था. डेफिनेटली देखो क्लास नोट्स के ज्यादा बस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यू फील कि तुम्हें कितना लगा कि प्रीवियस ईयर करना कितना जरूरी है? सर प्रीवियस ईयर पेपर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, और शॉर्ट नोट जो थे एजुकेटर्स बोलते थे हमें बनाने को, शॉर्ट नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, वो उसने बहुत हेल्प किया.
क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम नहीं पढ़ पाते थे पूरा सिलेबस। तो जब आप जब भी सिलेबस पढ़ें तो उसके साथ साथ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते चलें और फिर उसके बाद मतलब अपने अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प करें। बिल्कुल, थोड़ा ये आइडिया मिलता था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मुझे लगता है जो बाकी एग्जाम के क्वेश्चन है जो हम असाइनमेंट देते हैं ना जिसमें बाकी सारे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतना कर लो, उसके एक्स्ट्रा सवाल नहीं करना आपको, जैसे CUCT, BHU, जेस्ट और जैम, IIT जैम के, DU के, वो क्वेश्चन कर लो। और ऐसा नहीं कि तुम्हें चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, असाइनमेंट सीट आपको डेली करनी है, उससे कोई जरूरत नहीं है। जितने क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो, और इतना काम कर लो सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोर देन एनफ। आई ऑलवेज सजेस्ट कि इतना ही करो, है ना, क्योंकि इससे मल्टीपल टाइम, है ना, डू वन थिंग मल्टीपल टाइम बस, है ना, नॉट डूइंग मल्टीपल थिंग वन टाइम, इट्स नॉट बेनिफिशियल। मल्टीपल थिंग एक टाइम करोगे तो वो आपको कहीं फायदा नहीं होगा। डू वन थिंग मल्टीपल टाइम, आप सारे एग्जाम BHU, DU, CUCT, JNU, उसके सारे एग्जाम के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं ग्रुप्स में, वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं को डेली करो। जैसे मैकेनिक्स पढ़ लो तो उसके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे 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 सॉल्व करो, बार बार करो, बार बार करो, और जितने क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है और क्लास में जो कराया जा रहा है, दैट इज मोर देन इनफ आई थिंक, है ना। सो अभी कहाँ पे हो, अभी घर पे हो या PG में? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।